हमारा आज का स्टे है इंडिगो हाइट्स होटल एंड सुइट्स में, जो कि लोकेटेड है ऑन न्यू जहां रोड गुलबर्ग 3 लाहौर। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अमीर हमजा एंड टुडेज होटल फॉर यू इज इंडिगो होटल व्हिच इज सिचुएटेड in the city center of Lahore. It stands tall overlooking the metropolis of Gulberg, Lahore. So chalte hain aur check in karte hain Indigo Hotel mein. Indigo Heights Hotel and Suites mein hai 127 rooms. Car capacity hai up to 150 cars. Viewers, Indigo Hotel is the perfect mix of modern and luxury. अच्छा, यहाँ की जो लॉबी है वो थोड़ी सी अनकन्वेंशनल है। जब आप एंटर होते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सियर्ज डिपार्टमेंट नज़र आता है, और उसके बाद जब आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको होटल की प्रॉपर फील आती है, जहाँ पे आप सामने आपको नज़र आएगी एक रिसेप्शन, और रिसेप्शन के साथ ही बिल्कुल इनका एक रेस्टोरेंट है ऑल डे डाइनिंग व्हिच इज़ ला मेसा। उसके बिल्कुल सामने एक और रेस्टोरेंट है जापानीज क्यूजीन जो ऑफर करता है। लॉबी में वेटिंग कैपेसिटी है फॉर ऑलमोस्ट 30 पीपल। व्यूअर्स, इस होटल का इंटीरियर बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप देख रहे हैं पिलर, इस तरह के चार पिलर्स यहाँ पे मौजूद हैं और इसमें ग्लास वर्क एम्बेडेड आपको मिलेगा। उसके अलावा यहाँ की फॉल सीलिंग जो है ना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। द ग्रेट गैट्सबी एक मूवी है, उसका थीम मुझे लगता है कि इन्होंने फॉलो किया हुआ है। लुक्स फैंटास्टिक। व्यूअर्स, अब मैं जा रहा हूँ फ्रंट डेस्क रिसेप्शन की तरफ ये जानने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या रूम्स अवेलेबल हैं और चेक इन करने के लिए। तो चलते हैं फ्रंट डेस्क ऑफिसर की तरफ। गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हालचाल है? ठीक ठाक सर। अच्छा, मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या रूम्स अवेलेबल हैं इस होटल में? सर, हमारे पास 5 कैटेगरी हैं। राइट। जो हमारी बेस कैटेगरी है वो डीलक्स किंग कैटेगरी है। डीलक्स किंग कैटेगरी में हमारे पास सर मास्टर बेड के साथ रूम होता है, रूम साइज काफी स्पेशियस होता है, अबव दैन 450 स्क्वायर फीट हमारा रूम साइज है। उसके अंदर जो हम फैसिलिटीज दे रहे हैं वो 2% का ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है। हमारे रेस्टोरेंट में 6:30 to 10:30 जो एक ग्राउंड फ्लोर पे उसका बफे ब्रेकफास्ट होता है। उसके बाद फिर जिम और पूल की फैसिलिटी कॉम्प्लीमेंट्री होती है। 9 AM to 11 PM उसकी टाइमिंग है सर, वो भी यूज़ कर सकते हैं आपके गेस्ट। उसके अलावा फिर हम जितने सर्विसेज दे रहे हैं रूम में, टी सेटअप, वाटर बॉटल कंपनी प्लेस होती हैं, मिनी बार कॉम्प्लीमेंट्री होती है, 2 PC स्पेसिंग कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ ही है। मेरा ख्याल है और कैटेगरीज में सुनना चाह रहा हूँ कि और क्या है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें तो आप इसी में दे रहे हैं। डिलक्स किंग कैटेगरी की क्या प्राइस? डिलक्स किंग कैटेगरी का जो हम फॉर वॉकिंग गेस्ट कॉस्ट कर रहे हैं 20,000 प्लस टैक्सीज है। अच्छा, इंक्लूडिंग टैक्सी 23,200 रुपीज इज इंक्लूडिंग GST। और इसमें आप स्विमिंग पूल यूज कर सकते हैं, जिम भी यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी। बिल्कुल सर, आप वेलनेस का भी हमारी सर्विस यूज कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। चल, इसके बाद क्या कैटेगरी है? इसके बाद फिर हमारे पास डीलक्स स्टूडियो कैटेगरी है। राइट, इसमें क्या क्या? डीलक्स स्टूडियो कैटेगरी में 1 मास्टर बेड होता है, उसके साथ आपको बेड के आगे एक सीटिंग रूम मिल जाएगा, सेपरेट सीटिंग रूम मिल जाएगा। उसमें भी हमारे पास वॉशरूम में प्रॉपर बाथ टब होता है। अच्छा, हॉट टब है जकूजी के साथ, रूम साइज का फिश पीसेस है, और जो सर्विसेज है तकरीबन सब सेम है, रूम साइज भी सेम है। ऑल राइट, रूम साइज सेम है लेकिन एक अलग से एक पोर्शन है। बिल्कुल, सिटिंग के लिए। बिल्कुल सर। इसके बाद क्या कैटेगरी? इसके बाद कैटेगरी आती है बिजनेस सूट कैटेगरी, लेकिन आपने मुझे इसकी प्राइस नहीं बताई। जो हमारी डीलक्स स्टूडियो कैटेगरी की प्राइस है 25,000 प्लस टैक्सेस है। अच्छा अच्छा, बड़ा कम फर्क है, 3-4,000 का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं। इसके बाद फिर हमारी आती है बिजनेस सूट कैटेगरी। राइट, बिजनेस सूट कैटेगरी हमारे 2 रूम के कनेक्टेड रूम हुआ, वो 2 रूम सेपरेट रूम से कनेक्टेड है। यस, 2 सेट सेपरेट रूम है, हर कनेक्टिंग है, 1 मास्टर बेड है, उसमें प्रॉपर बाथ टब आएगा, सिटिंग रूम लगा होगा उसमें, और काफी स्पेशल सिटिंग रूम होगा वो, साथ एक क्वीन साइज बेडरूम भी। बिल्कुल। अच्छा, क्वीन साइज है, किंग साइज है, और एक सिटिंग भी है। एक किंग साइज है, उसके बाद सिटिंग है, और एक इस अप टू यू कस्टमर, अगर वो क्वीन साइज भी लेना चाहे वो भी इसके साथ हम कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, ओके। और इसकी क्या प्राइस है? इसकी जो हम कॉस्टिंग करें सर 35,000 प्लस टैक्स है। अच्छा,
फिर इसके बाद हमारी एक टू बेड अपार्टमेंट कैटेगरी आती है, उसमें आपको ट्विन बेड भी मिलेंगे, वन मास्टर बेड भी मिलेगा, वन क्वीन साइज बेड भी मिलेगा। इस थ्री रूम्स को आप कह सकते हैं। अच्छा, तो सिटिंग रूम लहदा होगा, उसमें भी प्रॉपर बाथटब होगा रूम में, काफ़ी स्पेशियस रूम है, इज अबव दैन 1200 स्क्वायर फीट। ओ, बहुत बड़ी स्पेस। यस, छोटे छोटे बच्चे आए हों तो वन टिप क्रिकेट खेल सकते हैं। चले, इसके बाद कोई कैटेगरी रहेगी? सर, ये हमारी कैटेगरी है। और इसकी क्या प्राइस बताइए? 45,000 प्लस टैक्स। 45,000 प्लस टैक्स। यस, राइट। और इससे व्यू किस तरह का आता है? क्योंकि जो आपका होटल है, इसकी जो हाइट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और जिस तरह की प्लेसमेंट आपको लिबर्टी और ऑलमोस्ट लाहौर की जो मज़ेदार जगह है, जो बड़ी विजुअली अपीलिंग जगह है, वो आपको आराम से नजर आती होंगी फ्रॉम द टॉप। मुझे बताएं, इन सारे रूम जो हैं वो हर फ्लोर पे अवेलेबल? यस, हर फ्लोर पे अवेलेबल है। जो डिलक्स किंग रूम है हमारा, जो सबसे पहले वो कैटेगरी है, जो हमारी बेस कैटेगरी है, उसका हमारा व्यू लिबर्टी व्यू भी आता है, लिबर्टी का राउंड बॉट आता है, कज़ाफी स्टेडियम व्यू आता है, उसके बाद फिर हमारा सैन चौक व्यू आएगा। ये सारे व्यू होते हैं डिलक्स किंग कैटेगरी में। अच्छा, उसके बाद हम डिलक्स स्टूडियो कैटेगरी में आते हैं। इस अपर फ्लोर इज अबव द 10 एंड 11 फ्लोर, उसे हमारा फिर लिबर्टी का व्यू आएगा, कज़ाफी स्टेडियम का व्यू आएगा, मुन्नाल का व्यू आएगा। ये सारे व्यू दे रहे होते हैं। जबरदस्त। और आपका हर रूम जो है वो व्यू देता है? बिल्कुल, हर रूम हमारा व्यू देता है। हमारी स्टैंडर्ड कैटेगरी है, डिलक्स कैटेगरी है, स्टैंडर्ड में भी है, जो भी है, बिल्कुल स्टैंडर्ड में भी है, स्टैंडर्ड से लेके आपकी टॉप ऑफ द लाइन जो कैटेगरी है, सब में हमें व्यू मिलेगा। चलिए, ये तो जबरदस्त हो गया। तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों की प्रमोशंस भी हैं? बिल्कुल सर, हमारे पास एक प्लान है, हमारा लॉयल्टी कार्ड क्लब एक कार्ड है, वो हम इसको वन ईयर के लिए कस्टमर अवेल कर सकते हैं उसको। उसकी जो हम प्राइस दे रहे हैं, जो हमारा गोल्ड कार्ड और प्लैटिनम कार्ड है, टू टाइप्स ऑफ कार्ड है। गोल्ड कार्ड में हम जो कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज दे रहे हैं, टू नाइट्स फ्री दे रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू नाइट्स दे रहे हैं। उसके बाद जब भी कस्टमर आएगा हमारा गेस्ट, वो उसमें 20% डिस्काउंट ले सकता है रूम रैक रेट पे, जो हमारा पब्लिश रेट होता है हमारी वेबसाइट पे, उस पे 20% डिस्काउंट होगा। जो लॉयल्टी कार्ड जरूरी है, लॉयल्टी कार्ड है। वैसे आपकी कोई जनरली कोई प्रमोशंस नहीं होती? जनरली हमारी प्रमोशन आती जाती हैं सर, कुछ वीकेंड्स पे आती हैं, कुछ एंड ऑफ द मंथ आती हैं, हमारी वेबसाइट पे पब्लिश होती जाती हैं साथ। राइट, तो व्यूअर्स, आप लोगों को यहाँ पे डिस्काउंट्स भी अवेल आप कर सकते हैं, अगर आप इनके डिजिटल मीडिया, आई एम श्योर कि डिजिटल पे आप पोस्ट करते होंगे, आप इनका डिजिटल मीडिया ट्राई करें, देखें उसको, आपको डेफिनेटली यहाँ पे डिस्काउंट रेट्स भी ऑफर हो सकते हैं। चले जी, मेरा ख्याल है कि चेक इन की तरफ आप बढ़ते हैं। यस सर, तो चेक इन मैं करूँगा डीलक्स सूट। डीलक्स सूट, दैट वुड सूट मी। यस सर, ठीक है, डन करें। Viewers, इस होटल का रूम कॉरिडोर बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइट्स, बेसिकली इधर सेंसर्स लगे हुए हैं, और जब आप यहाँ पे दाखिल होते हैं तो लाइट्स ऑन हो जाती हैं। उसके अलावा इधर की लाइटिंग बड़ी कोजी, बड़ी वार्म और बड़ी ही लो लाइट सेटअप के साथ यहाँ की फंक्शनैलिटी है, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रिवेसी। उसके अलावा इन कॉरिडोर्स में आपको इस तरह की पेंटिंग्स नज़र आएंगी। आई वेलकम यू ऑल टू माई रूम। इंडिगो हाइट्स का डिलक्स सूट इज वेरी स्पेशियस। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ के कलर कॉम्बिनेशन की। तो जो कलर कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, वो मिलेगा ग्रेज में, इंडिगो में और ब्राउन्स में। अच्छा, यहाँ का जो फ्लोर है वो भी आपको मिलेगा वुडन फ्लोर, वुडन पैनल्स बेसिकली लगे हुए हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त मॉडर्न फील दे रहे हैं। बात कर लेते हैं अब यहाँ के कम्फर्ट की, बेड कम्फर्ट की, विच इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ रूम। Nice. जबरदस्त व्यूअर्स, यहां पर आपको टॉवल आर्ट, जो जनरली हम जब होटल्स में जाते हैं तो वेलकम करने के लिए टॉवल आर्ट मिलता है, वो यहां पे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी जगह इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से अपने लोगों को प्लेस किया हुआ है, विच इज गिविंग अ वेरी सोफिस्टिकेटेड फील। साइड टेबल की बात कर लेते हैं, तो इस रूम में आपको दो साइड टेबल्स मिलेंगी, सिंस हमने एक ऐसा होटल भी विजिट किया था जिसकी सिर्फ एक साइड टेबल थी, इसलिए हमेशा मैं बताता हूँ। आपको एम्पल स्पेस मिलती है यहाँ पे, क्योंकि इसका जो लैंप है वो वॉल माउंटेड है, और यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी ड्रॉअर भी मिलती है। व्यूअर्स,
सिंस इट्स अ सुइट, तो यहाँ पर आपको सिटिंग अरेंजमेंट में दो सोफ़ाज मिलते हैं, उसके अलावा एक 3-सीटर सोफ़ा भी मिलता है। इसका कंफर्ट चेक करते हैं, वेरी कंफर्टेबल, सीरियसली आई एम नॉट लाइंग, इट्स वेरी कंफर्टेबल। साथ ही व्यूअर्स आपको यहाँ पर एक ड्रेसर भी मिलता है जो कि बड़े आराम से आप एज अ स्टडी टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, और इसका जो मिरर है वो ठीक ठाक बड़ा मिरर है। जनरली हमने जो मिरर्स देखे हैं बड़े छोटे होते हैं, तो ठीक ठाक आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाती है टू ड्रेस अप और टू वर्क व्हाइल यू कैन लुक इनटू योरसेल्फ, कूल फीचर। अब हम मीडिया वॉल की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको 40 इंचेस की एलईडी मिलती है और वुडवर्क के अंदर ये टेलीविजन स्क्रीन जो है वो एम्बेड हुई हुई है, बहुत ही अच्छी लुक है इसकी। एक और चीज़ व्यूअर्स ये है कि मीडिया वॉल डार्क कलर में, जिसकी वजह से आपको जो कंटेंट है वो बड़ा क्लियरली नज़र आता है। रूम क्लोजेट इज वेरी स्पेशियस, जिसमें एमेनिटीज में आपको मिलता है शू शाइनर, सॉफ्ट स्लाइड्स और प्रेयर मैट भी मिलता है इस्तेमाल करने के लिए। द वॉशरूम ऑफ दिस सुइट इज एक्सक्विजिट, इट्स बिग, इट्स स्पेशियस एंड इट हैज ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट यू माइट रिक्वायर इन अ वॉशरूम। टाइम फॉर रूम सर्विस चेक, चेक करते हैं कि चाय जो है हमारे रूम में कितनी देर में आती है। जी अस्सलाम वालेकुम, एक कप चाय भिजवा देंगे, थैंक यू। व्यूअर्स अब हम कर लेते हैं वाईफाई स्पीड टेस्ट, देयर यू गो, द इंटरनेट स्पीड इज प्रीटी फास्ट गाइस, 70, 74, 75, 78, 82, 82.03। इस सुइट में एक फुल लेंथ लुकिंग मिरर भी मौजूद है और इसका साइज जनरली जो हमने फुल लेंथ मिरर देखे उससे काफी बड़ा है, विच इज़ क्वाइट कूल। अच्छा जी, अब मुझे लगी है बहुत भूख और अब मैं जाऊंगा हाइटी करने। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे 3 रेस्टोरेंट्स हैं, द स्काई, ला मेसा और उसके अलावा एक जापानीज क्यूजीन भी है। मैं ट्राई करूँगा द स्काई क्योंकि मैंने उसका बहुत सुना है। अस्सलामुअलैकुम जी, थैंक यू। व्यूअर्स वेलकम टू द स्काई व्हिच इज सिचुएटेड ऑन द 17th फ्लोर ऑफ इंडिगो हाइट्स। व्यूअर्स आई जस्ट लव द एम्बियंस ऑफ दिस रेस्टोरेंट, आप मेरे पीछे चेक करें यहाँ पे बार लोकेटेड है, इट इज लुकिंग सो कूल, जस्ट गिविंग मी यूरोपियन वाइब्स। मुझे अब लग गई है बहुत भूख और मैं चेक करने जा रहा हूँ कि हमें यहाँ पे हाइटी में क्या क्या खाने को मिलता है। hey!
एज आई एम इन लव विद द स्काई. पहली बात तो यह है कि यहाँ से जो व्यू आता है ना, इट इज माइंड ब्लोइंग. ट्रस्ट मी, लाहौर इतना खूबसूरत लग रहा है. लाहौर आपको पता है बहुत ही खूबसूरत शहर है, लेकिन इस हाइट पे 17 फ्लोर पे बैठ के लाहौर की जो फील आ रही है मज़ेदार है, और साथ साथ खाने की स्मेल आ रही है, तो एक ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन जो है वो बना हुआ है. खाने में बहुत सारी ऑप्शंस थी आपने देखा, बट आई वेंट विद बैंकॉक चिली ड्राई, उसके साथ एग फ्राइड राइस और साथ ही लाहौरी फिश. आई जस्ट कांट वेट. वैसे तो अगर आप लोग भी यहाँ पे होते तो एक अलग ही मज़ा आता, लेकिन कोई नहीं, आप लोग ज़रूर चक्कर लगाएं इधर का. You are going to love it, I'm sure. आप सोच रहे होंगे कि लाहौरी फिश मैं खा रहा हूँ और मेरे हाथ में फोक है, तो ये मैं बहुत गलत कर रहा हूँ. मैंने ये रियलाइज़ किया है एंड आई डोंट केयर, इसको मैं हाथ में पकड़ के खाऊँगा क्योंकि इसका मज़ा उसी में. एंड आई लव द टेस्ट गाइस, इट्स वेरी गुड. स्विमिंग पूल से आपको लाहौर की सबसे ज्यादा विजिटेड रोड का व्यू मिलता है, व्हिच लुक्स अमेजिंग. व्यूअर्स, इंडिगो हाइट्स के फोर्थ फ्लोर पर आपको वेलनेस सर्विसेज मिलती हैं, जिसमें आपको एक जबरदस्त किस्म का जिमनेजियम मिलता है. उसके अलावा आपको यहाँ पे सैलून सर्विसेज भी मिलती हैं और साथ ही स्पा सर्विसेज भी दस्तयाब हैं. तो चेक करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इन सर्विसेज. Right now, I'm standing on the 18th floor of the sky. मैं आपको बताता चलूं कि sky के 3 floors हैं. जो 17th floor है, वो indoors है. जो 18th floor है, वो rooftop है. और जो 19th floor है, वो सिर्फ bookings के लिए इस्तेमाल होता है. अगर आपने कोई party throw करनी है, birthday party या whatever the event there is, तो आप 19th floor open rooftop enjoy कर सकते हैं. लाहौर का बेहतरीन view आपको देखने को मिलेगा. Like I said before, I am in love with the sky. अब मैं करूंगा डिनर और यहाँ की मुगलई डिश है जो रिसेंटली इन्होंने लॉन्च की है. आई एम गोना ट्राई दैट वन. स्काई का मुगलाई बारबेक्यू प्लेटर इज अ ट्रीट. स्काई की एम्बियंस के साथ इस खाने का कॉम्बिनेशन इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. लव्ड इट. It's time for me to sleep. I had a fantastic day. और ये आप पैनल चेक कर रहे हैं, इसके ऊपर काफ़ी सारे बटन्स हैं और एक स्लीप का बटन है जो मैंने सुबह देखा था और मैंने सोचा था कि इसको मैं दबाऊंगा तो क्या होगा, तो दबा के चेक करते हैं जी. ओके, ये DND का जो है वो बटन ऑन हो गया है. बेसिकली DND इज डू नॉट डिस्टर्ब, जिसका मतलब ये है कि अब मुझे यहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. रूम सर्विस वाले भी नहीं आएंगे और कोई भी इंसान नहीं आएगा. इसके बाद है जी यहाँ पे मास्टर ऑन मास्टर ऑफ. आई थिंक ये लाइट्स का सेटअप है, तो आई एम गोना क्लिक दिस वन. बूम, द लाइट्स आर ऑफ एंड आई एम अबाउट टू स्लीप. बाय.
गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट और अब हम ट्राई करेंगे ला मेसा का ब्रेकफास्ट बुफे और चेक करेंगे कि हमें खाने में क्या क्या मिलता है। It's time for me to check out. I really enjoyed my stay at Indigo Heights. मैं आपको बता रहा हूँ, you must come here. The sky is amazing. It's a must. इस होटल को हम क्या रेट करते हैं अभी आप लोग थोड़ी देर तक जान जाएंगे. मिलते हैं बहुत जल्द अगले प्रोग्राम में. अल्लाह हाफिज़. इंडिगो हाइट्स होटल एंड स्वीट्स का ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारे लिए रहा 5 out of 7. फ्रंट डेस्क रिसेप्शन ऑल्सो 5. होटल क्लेनलीनेस 5, फ्री वाईफाई 6, रूम क्लेनलीनेस 6, ब्रेकफास्ट क्वालिटी 4, रेस्टोरेंट क्वालिटी 4, स्टाफ 4, फैसिलिटीज 5, कंफर्ट 5, लोकेशन 6, वैल्यू फॉर मनी 5. इंडिगो हाइट्स होटल एंड स्वीट्स की ओवरऑल रेटिंग बनती है 4 स्टार्स. ग्रेट.